लोग आपके बात करने से पहले आपको जज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे बहुत डर लग रहा है, आप सबसे पहले कहां से जज करेंगे? थ्रू माय एक्सप्रेशन। आपके वर्ड्स एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आप एक एक जुमले की एक कीमत हो, एक कदर कीमत, एक वैल्यू है। स्पीक विद कॉन्फिडेंस बट कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम कॉम्पिटेंस। व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर हो। डेबोरा बुल एक ऑथर है, वो कहती हैं लोग आपके बात करने से पहले आपको जज कर लेते हैं। लोग आपके बात करने से पहले आपको कैसे जज कर लेते हैं? बिकॉज आपकी बात करने से पहले कमरे में क्या चीज आती है? आपकी बॉडी, आपके एक्सप्रेशंस, आपका आई कॉन्टैक्ट। मिसाल के तौर पर आप में से कोई बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आप सबके लिए क्या क्रिएट कर रहा हूँ? एक इम्प्रेशन। आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ नहीं बोल रहे, मे बी आप पूरी रॉ कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ यस हाँ हूँ कह रही है, लेकिन मैं आप सबके लिए कोई ना कोई इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। और आप बाहर जाएंगे, बाहर भी लोग आपके लिए एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे होंगे। दैट्स वाई इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि यू गॉट टू बी कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज बिकॉज स्पीक्स अ लॉट। सिमिलरली इंटरव्यू के अंदर बहुत से लोगों को क्या लग रहा होता है? डर लग रहा होता है। अच्छा, वो डर आ कहाँ से रहा होता है? अंदर से आ रहे होते, बट वो छलक कहाँ से रहा होता है? वो विजिबल कहाँ से हो रहा होता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे से। मिसाल के तौर पर मुझे बहुत डर लग रहा है, आप सबसे पहले कहाँ से जज करेंगे? थ्रू माई एक्सप्रेशन। मेरी आई कॉन्टैक्ट से आप अंदाजा करेंगे, सर आज थोड़ा सा ना गुस्से में लग रहा है। एक बात समझिए, आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। और इंटरव्यू के अंदर ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है। एमी कडिक बहुत अच्छा जुमला कहती है, एमी कडिक कहती है, फेक इट टिल यू मेक इट। एमी कडी कहती है, नकली नकली करते रहो उस लम्हे तक जब तक असली ना हो जाए। अगर डर लग रहा है, घबराहट हो रही है ना, मुन्ना भाई मूवी वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जब उसको गुस्सा आता था वो क्या करता था? हंसता था, मतलब जप्पी नहीं मारता था। सही है, आप डायरेक्ट जप्पी पहुंच गए। सही, गुस्सा है, जप्पी मार ली, दबाई दे पकड़ के, बंदे को सांस ही ना आए। सही है, ऐसा नहीं है यार। सही है, तो फेक इट टिल यू मेक इट इज अ लाइन विच सेज कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप प्रिटेंड करें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जस्ट लाइक यू गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, इट्स योर फर्स्ट इंटरव्यू। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्सप्रेशन से कहीं लगना नहीं चाहिए कि आप पहली बार इंटरव्यू देने आ रहे हैं। एंड हाउ डज इट कम? इट्स लाइक कि आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को प्रैक्टिस करना चाहिए। मे बी इस एज में भी कोई इंटर्नशिप कॉल हो रही है, टाइम नहीं है सर, पेपर होने वाले हैं, इंटरव्यू देने ज़रूर जाओ इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हें नहीं करनी, फिर भी जाओ, क्यों? जस्ट टू प्रैक्टिस दैट इंटरव्यू। सर यस, आई टेल यू माई एग्जाम्पल। मैं जब तीसरे चौथे सेमेस्टर में था तो मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता इंटर्नशिप, बट आई गिव नंबर ऑफ इंटरव्यूज। और मैं देखता था कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ और हो नहीं रहा तो क्यों हो रहा हूँ। एक इंटरव्यू मुझे बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया, बहुत बुरी तरह। उस मैं आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में था, वो रिजेक्ट इसलिए किया उस इंटरव्यू ने, मैंने उसको इंटरव्यू में कहा कि आई एम अ स्टोरी टेलर एंड आई डू टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज एज वेल। उसने कहा स्टोरी सुनाओ, और मैं कहानी सुनाने लग गया, और वो हंस रही है, मैंने नोट नहीं किया, और मैं 5 मिनट तक कहानी सुना रहा। उसने कहा थैंक यू सो मच, जाओ। तो मुझे एक बात समझ आई, मुझे उस टाइम स्टोरी नहीं सुनानी थी। वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी और मैं सीरियस हो गया। वो शायद तफरी ले रही थी कि भाई चलो स्टोरी सुनाओ। कौन सी कहानियाँ सुनाते हो? मैंने सूफ़ी की कहानी सुना रहा हूँ इंटरव्यू में, प्रोफेशनल इंटरव्यू में, कि एक सूफ़ी बाबा था, वो पानी लेके जाता था एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई गॉट टू रियलाइज कि यार मुझे बहुत प्रोफेशनल गुफ्तगू करनी है अपने इंटरव्यू में। फर्स्ट थिंग इज आई कॉन्टैक्ट, जैसे सेकेंड थिंग चूज योर वर्ड्स वाइजली। मुझे अपने अल्फाजों को बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा। मैंने जुमला पहले भी कहा था कि अल्फाज तुम्हारी कह दो बंद में, एक बार तुम उन्हें कह दे तो तुम उनकी कह दो बंद में हो। आपके वर्ड्स एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आपका एक छोटा सा वर्ड बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एक एक जुमले की एक कीमत हो, एक कदर कीमत, एक वैल्यू है। आपकी डिग्री पे लिखा हुआ है ना BBA सर्टिफाइड और मार्केटिंग मेजर, तो वो मार्केटिंग मेजर एक जुमला है बज़ाहिर, लेकिन उसकी बड़ी अहमियत है। आपके पास एक सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा हुआ, उस पर मॉड्यूल्स लिखे हुए, तो इसकी एक वैल्यू है। और वो वैल्यू आपको डिफाइन भी करनी है। आप सर्टिफिकेट लेके किसी इंटरव्यू में गए, आपने कहा जी बताएं आपने कम्युनिकेशन स्टडी किया, कम्युनिकेशन में क्या स्टडी किया था? आप बोलेंगे हाँ, तो आप बता सकते हैं कि मैंने क्या स्टडी किया, एंड यू गॉट टू नो दैट एज वेल। बट सेकेंड थिंग इज यू चूज योर वर्ड्स, एंड वर्ड्स के लिए वोकैबुलरी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अल्फाजों
को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक प्रोग्राम कराया कम्युनिकेशन स्किल का, उसमें एक लड़का था, वो रोज़ एक वोकैबलरी को याद करने की आदत उसने बिल्ड कर ली। मैंने वहाँ एक आइडिया शेयर किया था, किताब का नाम है क्राफ्ट योर फ्यूचर, ब्रायन ट्रेसी ऑथर का नाम है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं एक नॉर्मल इंसान की वोकैबलरी 1200 अल्फाज है, बस 1200 अल्फाज जानता है वो। हाय, हेलो, थैंक यू, कैसे हैं, ठीक हैं, व्हाट्स अप, हाउ आर यू, आई एम गोइंग समवेयर, दिस इज़ गोना बी लाइक दैट, यू नो, बस की लिमिटेड वोकैबलरी है, बस उसी वोकैबलरी के दरमियान वो ज़िंदगी गुजार रहा है। दैट्स वाई वो अपने आइडियाज़ को भी लिमिटेड रखता है, उसके बिलीव्स भी लिमिटेड है, जस्ट बिकॉज उसके पास वो अल्फाज वो वोकैब नहीं है। उस किताब में आगे बढ़ के लिखा था, जो आज कोई भी इंसान अगर मैगजीन्स पढ़ता है, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ता है, इसका वोकैबलरी साइज थोड़ा ज़्यादा है, 1800 वर्ड्स है, और ये अपने माइंड का 4% यूज़ कर रहा है। उस किताब में लिखा था कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग, जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, इनका वोकैबलरी 2400 होता है, और ये जो 2400 वोकैबलरी वाले लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, इनकी गुफ्तगू में बड़ी ख़तरनाक अल्फाज आते हैं, इनसे बात करते हुए लोग घबराते हैं, जस्ट बिकॉज इनका वोकैबलरी बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे एक बात समझ आई, मैं आपसे पूछूंगा, बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल है, वो कहते हैं ना टेक अवे क्या है, सर आज के सेशन का कोई टेक अवे होना चाहिए, वो टेक अवे क्या है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के आप जी, क्या ये मुमकिन है कि मैं रोज़ एक वोकैबलरी याद करूँ, उसके अलग अलग मायने पढ़ूँ, और उस वोकैबलरी को किसी ना किसी दोस्त या किसी किसी ना मौका देकर उस वोकैबलरी को रोज़ इस्तेमाल करूँ किसी जुमले में? Yes. क्या ये मुमकिन है? आई थिंक आपको ग्रेजुएशन में 2 साल है या 1 साल है, साल में कोई 360 दिन या लेट्स सपोज 65 दिन, 700 वोकैबलरीज 2 साल में मुझे याद हो गई। ये जो 700 वोकैबलरीज है ना, ये ख़तरनाक है। किताब का नाम है क्राफ्ट योर फ्यूचर, ब्रेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च मैंने पढ़ी, मैंने पूरी किताब हाईलाइट, मैंने ये वाहिद बुक है जो मैंने रंग दी थी। उस किताब में लिखा था ह्यूमन माइंड अपने इंटेलेक्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इज लिमिटेड वर्ड्स। आइडियाज़ अल्फाजों के ज़रिए क्रिएट होते हैं, अल्फाज एक जिन्स ऑयल, एक वोकैबलरी थी, रेस्टोरेंट का ख्याल आ गया, सही, इकरा एक वर्ड था, उस पर यूनिवर्सिटी बन गई, सिंध मदरसा द वर्ड, द यूनिवर्सिटी कम इन टू बींग। कल में एक यूनिवर्सिटी में था ईमान, ईमान इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा ये भी, उन्होंने कहा जी ईमान वोकैबलरी पसंद है, हमने पूरा एक चार्टर्ड इंस्टीट्यूट बना दिया। डिजिटल एग हेड्स, एक मार्केटिंग एजेंसी थी, एक वोकैबलरी थी डिजिटल एग हेड्स, एग हेड्स इज अ वर्ड एंड दे मेक अ डिजिटल एजेंसी। बट किसी भी इदारे की इब्तिदा एक आइडिया से होती है, और आइडिया की इब्तिदा आई थिंक उन वर्ड से होती है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, कंसीडर क्वेश्चंस एंड आंसर देम केयरफुली। जो आपसे इंटरव्यू में सवाल किए जा रहे हैं उन्हें एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, डोंट बी इन सो हरी। मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ, ओके, लेट इट प्रोसेस एंड देन आंसर इट। अ लॉट ऑफ पीपल आर इन हरी, फौरन जवाब देना है, हर चीज़ को फौरन जवाब देना है। But coming back, speak with confidence, and confidence come from competence. Likhega. Speak with confidence, but confidence come from competence. Ye competence kaise aayega sir? Clicker maujood hai? Clicker. Slide changer. Confidence come from competence. Competence kya hoti hai bhai? Can anybody tell me what's competence? Confidence come from competence. Competence kaise kehte ho? Tu batayega jaldi se? आप में से कोई किसी चीज़ का माहिर है? आप किस चीज़ के माहिर हैं यार? हाँ बताओ प्लीज। ग्रिप हो आपकी, दैट्स कॉम्पिटेंस। तो हमारी ग्रिप किस? ईमेल राइटिंग, यू नो, सीवी राइटिंग, इट्स होल सब्जेक्ट। इस पर लोगों ने किताबें लिखी हैं। अगर मुझे किताबों के नाम आते और उनकी समरीज भी पता है ना, तो ये मुझे हज़ारों लोगों में डिफ्रेंशिएट कर देगा। क्या कर देगा? जस्ट लाइक मैं साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ, उन्होंने मास्टर्स किया, बट मैंने कैंडी सुजुकी को पढ़ा हुआ है, और कैंडी सुजुकी इज़ वन ऑफ द टॉपर्स टेट के प्लेटफॉर्म पर। ये टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स जाते हैं। अब मैं कैंडी सुजुकी की वजह से ना सामने वाले मजमे पर बाजी ले जाऊँगा, इट जस्ट बिकॉज आई वॉज कॉम्पिटेंट इनाफ, आई रेड कि वो हो क्या रहा है। बट कमिंग बैक, स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम कॉम्पिटेंस। वॉट नेक्स्ट, टॉक स्लोली एंड टेक पॉजेस, हम इस पर बात करेंगे आगे जाके।